शहद, लीमू का रस, जैतून का तेल एक एक चम्मच आधा गिलास में पानी में हल करके पिए। 15 दिन में पथरी तहलील हो जाएगी। वजन कम करने के लिए शलजम काट कर काले मिर्च और लीमू जूस डालकर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह बना रहे हों तो उसमें लाल लोबिया ज़रूर शामिल करें, आयरन की कमी पूरी करता है। जोड़ों के दर्द की सूरत में चुकंदर खाएं, जिगर मजबूत बनाता है और नया खून भी पैदा करता है। मम 6 ग्राम अजवाइन रोजाना फांकते रहें, इंशाल्लाह गुर्दे मसाने की पथरी बाहर निकल आएगी। नाक के गदूद 2 कप पानी में 3 से 4 इलायचियाँ मुंह खोलकर डालें, 1 कप रह जाए तो फीका पानी पी लें, नाक के गदूद ख़त्म हो जाएंगे। उल्टी मतली पेट में दर्द हो तो बड़ी इलायची चबा कर खाएँ और ऊपर से पानी पिएं। जिनको बलगम की शिकायत रहती है बैंगन का सालन खाएं, बैंगन बलगम का दुश्मन है और दिल को तबीयत देता है। कद लम्बा करने के लिए 3 खजूरें लें, 1 गिलास दूध में पकाएं, फिर ग्राइंड करके जूस बनाकर सुबह पी लें। इसबगोल के 2 बड़े चम्मच रात सोते वक्त पानी के साथ लें। बादियों खूनी बवासीर का अक्सर टोटका है, जिस्म से मज़र कोलेस्ट्रॉल यानी LDL रहता है। बादाम को अपनी गज़ा में शामिल करने वाला कभी शुगर और मरीज़ दिल का मरीज़ नहीं हो सकता। पिस्ता दिमाग को कुवत देता है और प्यास मिटाता है। मेघदो को ताकत देता है, वबाई मराज से बचाता है। अंजीर के हैरन गैस फल, अंजीर कैंसर से बचाती है, दिल के आर्जे से बचाती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड प्रेशर को भी रोकती है, हड्डियों के लिए मुफीद है।